अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज हम कट वाली कैपरी के साथ बटन लूप्स लगाना सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि लूप्स बनाने के लिए किस तरह से डोरी बनाई जाती है और किस तरह से हम आसानी से बटन लूप्स बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कटिंग और स्टिचिंग की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए उर्दू गर्ल सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, कैपरी की कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कैपरी ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें। नीचे पाइचा में मैंने फोल्ड करने का कपड़ा नहीं छोड़ा, इसलिए सिलाई की गुंजाइश छोड़कर कट बनाने के लिए 2 इंच पर निशान लगाएं और हल्का सा कट भी लगा लें। ये कट कैपरी की चारों तह पर लगेगा। एक एक इंच के फासले से लूप्स लगाने के लिए निशान लगा लें। ये लूप्स के निशान हम कैपरी की सिर्फ फ्रंट के 2 पीस पर ही लगाएंगे। आइए पहले बटन लूप्स बनाने के लिए कपड़े की डोरी तैयार करते हैं। 1.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी 2 अरे पट्टियाँ काट लें। इसमें आसानी से 10 बटन लूप्स तैयार हो जाएंगे। मशीन को सिंगल पैर लगा लें और इस तरह से बारीक डोरी अंदर रखकर थोड़ी सी सिलाई को लूज रखें। फिर बिल्कुल डोरी के साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। ख्याल रहे कि सिलाई डोरी के ऊपर ना आए। डोरी के साथ सिलाई लगाने का मकसद बारीक और सीधी सिलाई लगाना है। इसी तरह दूसरी पट्टी तैयार कर लें। आप पट्टी में से डोरी खींचकर निकाल दें। अब बड़ी सुई में डबल तार धागा डालें, घिरा लगा लें और जिस साइड से हमने सिलाई लूज रखकर स्टार्ट किया था वहाँ से इस तरह थोड़ी सी सुई अंदर डालकर 2 टांकों से पक्का कर लें। फिर सुई की उल्टी साइड अंदर डालकर दूसरी साइड से बाहर निकाल लें। नए सीखने वालों के लिए इसमें बहुत आसानी रहती है। अब पीछे से आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से कपड़ा सिलाई के अंदर लाते जाएं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप आहिस्ता और एहतियात से करते जाएं। कपड़ा खुद ब खुद आगे की तरफ स्लिप होता जाएगा और डोरी बनकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह खींचकर सारी डोरी बाहर निकाल लें। ये डोरी आप किसी भी सूती या रेशमी कपड़े से तैयार कर सकती हैं। व्यूवर्स, देखें कितनी बारीक और टाइट डोरी बनी है। अब इस तरह से 2-2 इंच की डोरी लूप्स के लिए कटिंग कर लें। अब कैपरी की फ्रंट साइड के 2 पीस की आसन की सिलाई लगा लें। साइड की सिलाई में जितना कपड़ा हमने अंदर देना है उतना निशान लगा लें। जो हमने नीचे कट बनाना है उसके निशान से थोड़ा ऊपर रखकर इस तरह से लूप्स अंदर की तरफ लगाएं। जितना हमने साइड की सिलाई का निशान लगाया है लूप्स की सिलाई भी उसके ऊपर आनी चाहिए।
ताकि बटन लूप सिलाई से ज़्यादा बाहर या अंदर ना हो। एक एक इंच के फासले से लूप्स लगाते जाएं। बटन लूप्स उतना ही खुला रखें जितना आपका बटन इसमें आसानी से गुजर जाए। व्यूवर्स देखें, सिलाई का निशान लगाने से लूप्स बहुत सीक्वेंस से लगी हैं। आप चाहें तो 5 से ज़्यादा भी लूप्स लगा सकती हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई का निशान लगाएं और इसके मुताबिक बटन लूप्स लगा लें। व्यूवर्स देखें, इस तरह से कैप्री के फ्रंट की दोनों साइडों पर लूप्स लगेंगे। अब कैप्री के बैक साइड के पीस के साथ रखकर इस तरह से पाइंचा वाली साइड से स्टार्ट करें। जो हमने कट बनाने के लिए कट लगाया था, सिलाई बिल्कुल उसके बराबर से स्टार्ट करनी है। जो सिलाई हमने लूप्स के लिए लगाई थी, उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आते जाएं। इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लें। बहुत ही खूबसूरती से बटन लूप्स तैयार हैं। अब हम नीचे कैप्री के पांचे का कट बनाएंगे। नीचे फोल्डिंग के लिए तकरीबन 4 इंच चौड़ा कपड़ा काट लें। इस तरह से कट वाली साइड से बराबर रखकर सिलाई स्टार्ट करें। जितनी सिलाई हमने साइड की सिलाई में कपड़ा दिया है, वहाँ से सिलाई टर्न करें और कट की सिलाई के बराबर ले आएं। सिलाई इसके ऊपर नहीं लगानी, सिर्फ आमने सामने बराबर रखनी है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से कट से कपड़ा बराबर करें और सिलाई स्टार्ट करके कट के सिलाई के बिल्कुल सामने ले आएं। अब साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें। ये देखें, कट की सिलाई साइड की सिलाई के बिल्कुल सामने आई है। अब इसे सीधा करें और कोने किसी भी चीज़ से ठीक तरह से बाहर निकाल लें। सारा फोल्डिंग कपड़ा उल्टी साइड कर दें। अब ऊपर से कट के एंड पर कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लें और तुरपाई करें। बटन लूप्स हमने फ्रंट साइड पर रखकर लगाई थी। अब कैप्री की बैक साइड पर बटन रखकर लगाएं और लूप्स में बटन डाल दें। अब कैप्री की साइड की सिलाई लगा लें। व्यूवर्स, डिज़ाइनिंग कैप्री बिल्कुल तैयार है। कैप्री की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के लिए उर्दू गर्ल्स विज़िट करें। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।
کمنٹس کریں اور اردو گرلز ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.